ये Vivo T3 Ultra है, इसे रिसेंटली ही इंडिया में लॉन्च किया गया है। अगर आपको लगता है कि यह स्मार्टफोन खरीदना चाहिए तो ठहरिए, मैं डोंट बाय का टॉप 5 रीजंस बताऊंगा। इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो 30,000 के अंदर रखा गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहली पॉइंट की बात करें तो अभी के समय में कोई भी स्मार्टफोन तब तक ही चलता है जब तक कंपनी का अपडेट मिलते रहता है, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसमें सिर्फ 2 मेजर अपडेट दिया जाएगा और 3 ईयर्स का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट दिया जाएगा। मतलब एंड्रॉइड 14 पे आया है तो 15 और 16 तक का अपडेट मिलेगा। 3 इयर्स तक इस स्मार्टफोन को बिना कोई प्रॉब्लम हुए यूज कर सकते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। प्राइस के अनुसार ये अपडेट पॉलिसी जस्टिफाइड नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही निराशाजनक है। 30,000 आप पे कर रहे हैं तब भी इस स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर मिलता है, हॉट गेम्स, हॉट एप्स, ये सब चीज मिलता है। ऑब्वियसली कंपनी को प्राइस भी देखना चाहिए, इस प्राइस पे ये सब चीज नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी कस्टमर को। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये गेमिंग फोन बिल्कुल भी नहीं है। BGMI 90 FPS तक सपोर्ट नहीं करेगा। साथ साथ ज्यादा अगर आप गेम खेलते हैं तो ये स्मार्टफोन हीट होगा, और हीट होने का एक कारण है इसका चिपसेट, इसमें मीडियाटेक का चिपसेट दिया गया है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है 5G बैंड्स को लेकर, सिर्फ 8 5G बैंड दिया गया है। ऑब्वियसली प्राइस के अनुसार कम से कम 13 5G बैंड्स या उससे ज्यादा 5G बैंड्स दिया जाना चाहिए। पॉइंट की बात करें तो एक सेंसर मिसिंग है जो कि इम्पोर्टेंट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं दिया गया है। ऑब्वियसली 30,000 के प्राइस में इतनी मेजर कॉन्स नहीं रहनी चाहिए किसी भी स्मार्टफोन में।